नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल गार्डनिंग सीजन में। दोस्तों, अगर आप भी अपने गार्डन में कोई ऐसा फ्लावर का प्लांट ऐड करना चाहते हैं जो आपको लगभग 7 से 8 महीने तक फ्लावरिंग कंटिन्यूसली देता रहे, तो गजनिया का पौधा आपके लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन मेरे ख्याल से रहेगा, क्योंकि ये जो पौधा है ये लगभग 7 से 8 महीने तक आपको फ्लावरिंग देता है और इसमें एक ही प्लांट में आपको लगभग एक ही टाइम पे 10-10, 20-20 जो है फ्लावर वो आते रहते हैं। तो इस पौधे को जो है कटिंग से किस तरह से ग्रो किया जाता है, क्योंकि नॉर्मली आपको ये 20 से 40 रुपए का नर्सरी में मिल जाता है, लेकिन ये आपको 7 या 8 मंथ तक अवेलेबल नहीं रहता है, ये विंटर के सीज़न में आपको मिलेगा। तो ये जो प्लांट आप देख पा रहे हैं ये मेरा लास्ट ईयर का प्लांट बचा हुआ था। इस पौधे से मैं 25-30 पौधे किस तरह से तैयार करता हूँ उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो जितनी भी इसकी जो शाखाएं थी वो मैंने सब निकाल ली हैं, केवल इसकी जो रूट्स हैं वो मैंने उसमें छोड़ी हैं जिससे कि ये ग्रोथ कर सके। तो याद रहे कि आपको जब इसकी शाखाएं निकालनी होती हैं तो उसके टाइम पे आपको जो नीचे की तरफ ये ब्राउन पार्ट दिख रहा है लगभग आधा या 1 इंची का, ये होना ज़रूरी है क्योंकि जो रूट डेवलप होगी वो इसी में होगी। तो ये शाखाएं निकालने के बाद में इसमें जो आपको जो एक्स्ट्रा लीव हैं, दो दो तीन तीन लीव छोड़कर बाकी सारे हटा देनी है। इसके लगभग 4 से 5 कलर जो है वो आसानी से आपको मिल जाते हैं और इसको आप सीड से भी ग्रो कर सकते हैं, लेकिन सबसे अच्छा जो तरीका मुझे इसका लगा वो रूट्स इसका कटिंग से ग्रो करने का होता है। तो आग लगभग इसको 20-25-30 जो भी आपके वहाँ पे रेट हो उसमें ला सकते हैं और इसको सालों साल अपने गार्डन में ऐड कर सकते हैं। तो इस तरह से मैं इसकी सारी जो लीव है वो हटा लेता हूँ। और अगर बात करें इसकी कटिंग की, आपको किस टाइम पे ग्रो करना है, तो इसको आप मानसून सीज़न में लगा सकते हैं, या फिर अगर सर्दी की बात करें तो आप इसको 15 फरवरी से लेकर 15 अप्रैल तक लगा सकते हैं। लगाने के लिए आप इसको अगर बालू रेत में लगाएंगे या फिर कोकोपीट में लगाएंगे तो आपको रिजल्ट अच्छा मिलेगा। हो सकता है आपको नॉर्मल मिट्टी में लगाने में इसका जो रिजल्ट है वो अच्छा ना लगे। और देखिए, 10 दिन के बाद जो रिजल्ट है मेरा वो ये है। तो लगाने की जो वीडियो थी वो मेरे से गलती से डिलीट हो गई थी, तो इसी वजह से मैं आपको वो नहीं दिखा पा रहा हूँ, लेकिन ये जो कुछ फोटोग्राफ्स मैंने लिए हुए थे उस टाइम के, देखिए रूट कितनी अच्छी डेवलप हुई है। तो ये जो सारी है वो कटिंग से ही मैंने ग्रो की थी कोकोपीट में, तो इसका रिजल्ट काफ़ी अच्छा मिला है मुझे। और ये जो है मैं अपनी जो सारी कटिंग है वो सभी गमले में लगा देता हूँ। बात करें इसकी सोयल मिक्सचर की, तो नॉर्मल जो गार्डन सॉइल है उसमें आप थोड़ा वर्मी कंपोस्ट या गोबर का खाद लगाकर इसको लगा सकते हैं। कटिंग को ग्रो करने के लिए आप एलोवेरा जो पौधा होता है उसका जेल लेकर उसमें इस ब्राउन पार्ट को डिप कर सकते हैं, या फिर अगर आपके घर में दालचीनी का पाउडर है तो उसमें इसके कटिंग को डिप करके लगा सकते हैं। वरना जो रूटिंग हार्मोन पाउडर आपको मार्केट से मिलता है उसमें अगर आप लगाते हैं तो इसका रिजल्ट है आपको बहुत अच्छा मिलेगा। तो इस तरह से मैंने सारी कटिंग इसकी लगा ली है। लगाने के लिए याद रहे कि आपको ये जो प्लांट है उसकी एक कटिंग लगभग 8 इंच के पॉट में आपको लगानी है, क्योंकि ये जो पौधा होता है वो मल्टीप्लाई होता रहता है। तो अगर आप 8 इंच के गमले से नीचे में लगाएंगे तो हो सकता है वो मल्टीप्लाई ना हो और आपको फ्लावरिंग कम आए, लेकिन आएगी ज़रूर। तो इसलिए लगभग 8, 10 या 12 इंच के गमले में आप इसको लगा सकते हैं। और ये देखिए, जैसे आपने वीडियो के स्टार्टिंग में भी देखा होगा, ये जो मेरे प्लांट लगे हुए हैं वो सभी मैंने कटिंग से ग्रो किए हैं और लगभग आज के टाइम पे इसमें 5 से 6 कलियाँ भी इसमें आई हुई हैं और फ्लावर भी आप इसमें देख सकते हैं। ये मैंने 8 इंच के गमले में लगाए हुए हैं जो कि मल्टीपल होना स्टार्ट भी हो गए हैं और ये मेरे सालों साल चलते रहेंगे मेरे गार्डन में। उम्मीद है आपको आज का ये टॉपिक अच्छा लगा होगा। अगर इससे रिलेटेड आपका कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। और इसी तरह की अच्छी अच्छी वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे कि आपको समय समय पर नोटिफिकेशन मिलती रहे। थैंक यू।